नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान अधिकार चैनल पर स्वागत है। चाय, ये आवाज सुनते ही एक ताजगी का अनुभव होने लगता है। अक्सर लोग ताजगी के लिए चाय का इस्तेमाल करते हैं। चाय का साइंटिफिक नाम कैमेलिया साइनेसिस है। यूं तो चाय पीना लगभग सभी को पसंद होता है, पर क्या आप चाय में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में जानते हैं? इनका हमारे शरीर पर क्या असर होता है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार। कैफीन, चाय में पाया जाने वाला कैफीन हमारे शरीर में स्फूर्ति लाता है, लेकिन यही कैफीन हमें चाय की लत लगाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसलिए निरंतर चाय पीने वालों को जब चाय न मिले तो उनको बेचैनी, सिर दर्द, थकान महसूस होने लगती है। कैफीन के कारण कई बार धड़कने तेज होना, पसीना आना, बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। टैनिन, चाय में मौजूद टैनिन शुरुआत में शरीर में ताजगी का अनुभव कराता है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में थकान महसूस कराता है, जिससे फिर से चाय पीने की इच्छा होती है। टैनिन पाचन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। एमिनो एसिड्स, चाय में पाया जाने वाला एक थियानाइन नामक एमिनो एसिड हमारे दिमाग को अलर्ट और शांत रखने का काम करता है। क्लोराइड, चाय में मौजूद क्लोराइड हमारे शरीर की हड्डियों पर बुरा प्रभाव डालता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फाइटोकेमिकल्स हमारे शरीर के बॉडी क्लॉक को अनियमित कर देता है, जिससे हमें नींद न आने की समस्या होने लगती है, जिसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑक्सलेट्स, चाय का ज़्यादा सेवन करने से चाय में पाए जाने वाला ऑक्सलेट्स किडनी में स्टोन के रूप में जमा होने लगता है। चाय का अधिक सेवन करने से व्यक्ति को यूरिन यानी पेशाब भी ज़्यादा आती है, जिसके कारण शरीर के लिए ज़रूरी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरा प्रभाव डालती है, वो चाहे प्यार, पैसा या ज्ञान ही क्यों ना हो। इसलिए सीमित मात्रा में चाय पीना शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। क्या आपको चाय पीना पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ज्ञान अधिकार, ज्ञान करे सपना साकार।